सर क्या हुआ कि मस्त राम जी का किताब मैंने सुना था कि मस्त राम का एक ऐसी किताब है जो पढ़ के आदमी मस्त हो जाता है। बोले भाई कौन सी ऐसे, इसमें क्या खास बात है? तो मैं बीच में जब पढ़ता था, फिर गांव से मैं कहीं शहर में चला गया सर, तो वहां पर मैं किताबें को देखा कि भाई यही किताब में जब ज़्यादा लोग बिकता है, लेते हैं, तो मैंने सोचा कि काम तो सबसे अच्छा मेरा ही है। तो मैं एक बुक स्टॉल पर चला गया, बुक स्टॉल पर चला गया तो वहाँ चौधरी जी थे, तो उनको मैं प्रणाम किया। हम कहे चौधरी जी प्रणाम। बोले अरे क्या बात है सुबह सुबह आपने? हम कहे नहीं चौधरी जी, आपके पास मैं आया हूँ कि कुछ मस्त राम का किताब आपके पास है और मैं वो किताब आपसे कुछ लेना चाहता हूँ। बोला क्यों? अरे मैं कुछ काम धंधा नहीं है, मुझे वैसे कुछ किताबें दो मैं बेचूँ, उसमें मुझे कमीशन मिलेगा, मैं अपना स्कूल का फीस भी दूँगा, अपना खाना पीना भी करूँगा, और वो किताब का मैं बहुत चर्चा सुना हूँ, वो किताब मुझे दे दो चौधरी जी। तो चौधरी जी बोले यार कि ये किताब तुम बेचोगे, तुमको अभी बच्चे हो, कोई पकड़ लेगा, ये करेगा। हम कि उसके चिंता मत करो, वो किताब मैं छुपा के रखूँगा। और मैं जब बस स्टैंड में बस में जाता था तो एक लोग पास गया, बोल भाई किताब मैं बेचता हूँ, कौन कौन सी किताब है? हम कहे ये मनोहर कहानियाँ है, ये सत कहानियाँ है, और एक और कहानी है। बोला कौन सा? हम कहे तो मस्त राम का किताब है, क्या जब पढ़ोगे तो आप सब मस्त हो जाओगे, कि आपके बीवी बच्चे भी सब मस्त हो जाएंगे। बोला वो सब ये किताब तुम बेचते हो? हम कहे बेचते नहीं, इसी में तो हमको दो पैसा कमाई होता है, और आप भी पढ़ेंगे आप भी मस्त हो जाएंगे, और हमको भी दो पैसा मिलेगा, हम भी खा पी के मस्त हो जाएंगे। अच्छा अच्छा देखें कौन सी किताब है। तो उन्होंने देखें, एक ऐसा ऐसा फ़ोटो देखें सुबह पलट पलट के, अरे ये मस्त राम का। हम कहे हाँ। दूसरा देखें, बोला ये, बोले ये सब वैसा ही चित्र है, और ये चित्र है, और ये सब विचित्र है। बोला बहुत वेरी गुड, और इसमें कहानियाँ? हम कहे कहानियाँ देख लोगे तो इतनी रोमांटिक है कि आप लोग सब, मैं क्या बताऊँ आपको। बोला क्या 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 बताओगे? हम कहे नहीं आप खुद देख लीजिएगा, मैं क्या बताऊँ, या बहुत लोग और भी हैं, ये लोग भी देख रहे हैं, तो इसके लिए किताब ऐसा है, और ये किताब मैं पढ़ने के लिए मैं घर द्वार छोड़ दिया, बी बच्चों को छोड़ दिया, पर मस्त राम का किताब मैंने आज तक नहीं छोड़ा। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो अपने पापा ताऊ चाचा से संपर्क करें तुरंत।